हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आपका आज जो वीडियो लेके आया उसका कारण है नीट एग्ज़ाम 2021। इतने दिनों बाद, इतने वेटिंग के बाद, जब अगस्त 1 में आपका नीट होने वाला था और ड्यू टू ये कोविड पेंडेमिक आपका जो नीट एग्ज़ाम था, ये कब होगा, कब शुरू होगा, फॉर्म फिलअप कब शुरू होगा, इसके बारे में आपके मन में इतनी सारी दुविधा थी। और फाइनली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA ने घोषणा कर दी है कि अभी नीट 2021 UG जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल BDS और आयुष कोर्सेज के लिए जो नीट एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 12 को होगा अगला नीट एग्ज़ाम 2021। और उसको लेके अभी जस्ट हमारे को 2 महीने टाइम दिया गया है आप लोग स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग इतने दिन से अच्छे से आपका जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपके पास में अभी 2 महीने की टाइम है फाइनल प्रिपरेशन के लिए। हम लोग अभी ही वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ट्वीट किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो नीट एग्ज़ाम है वो सितंबर 12 को किया जाएगा। और आपको उस बारे में जो नोटिस आया, ये रहा नोटिस। तो नीट एग्ज़ाम जो शेड्यूल हुआ है वो 2021 नीट का डेट है 12th of September 2021। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका, इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर फुल फॉर्म फिलअप, वो 13 जुलाई के आज के दिन से शुरू हो रहा है। एंड एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो लास्ट डेट और फीस का जो है वो सबमिशन जुलाई 2021 का लास्ट वीक तक चलेगा। और आपका अगर एप्लीकेशन हुआ है उसमें कोई अगर करेक्शन है तो वो करेक्शन विंडो आपका नोटिफाइड किया जाएगा, वो भी जुलाई लास्ट वीक तक रहेगा। आपके नीट के लिए जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वो अगस्त महीने में किया जाएगा, अगस्त 1st और 2nd जो वीक है उसमें आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। और एग्ज़ाम डेट फाइनली 12 सितंबर को होगा। 12 सितंबर के एग्ज़ाम के बाद में जब आंसर की रिलीज़ होगी वो सितंबर 3rd वीक में आंसर की रिलीज़ होगा, जबकि लगभग 7 दिन के बाद में ही या फिर उसके दौरान आंसर की रिलीज़ होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग द नो स्टिपुलेटेड टाइम, वो आंसर की चैलेंज करने के लिए सितंबर में ही करना पड़ेगा, वो अभी शायद 3rd और 4th वीक में होगा। अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काउंसिलिंग जो होगा मेडिकल के, उसके मद्देनज़र आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट होगा अक्टूबर में, वो अक्टूबर में 1st वीक में और 2nd वीक में हम आशा कर रहे हैं। और देन आफ्टर अक्टूबर के लास्ट वीक तक काउंसिलिंग फॉर MBBS, BDS और आयुष कोर्सेस, ये काउंसिलिंग डेट जो है वो घोषणा की जाएगी, जो कि हमारी NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके वेबसाइट पर हम लोग देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमरा बांग्ला तो बोलछी आपनादेर नीट 2021 एर एग्जाम डेट जेटा गतकालकेर आमादेर माननीय शिक्षामंत्री भारतेर धर्मेंद्र प्रधान जी उनार ट्वीट करेछेन एवं NTA वेबसाइटे नोटिफिकेशन एसे गेछे जे आमादेर नीट 2021 आगामी सेप्टेम्बर मासेर 12 तारीखे सेटा होबे एवं 13 जुलाई थेके बेला 5টার पर नीट एग्जाम जो फर्म फिलअप से शुरू हो जाए। तो इनिशियल टाइमे खूब ओवरलोड होते पारे, क्रेश होते पारे, किंतु सेटा कोनो प्रॉब्लम नहीं। दिन थेके 13 जुलाई थेके नीटर एप्लीकेशन शुरू हो जाए। आमरा जारा स्टूडेंट रयेछि तारा एवं पेरेंट्स रयेछेन, आमरा जारा गाइडेंस करछि, आमरा बोलछि जे आपनादेर सेटा लास्ट उइक अफ जुलाई पर्यन्त सेटा आमादेर फर्म फिलअपे डेट थाकबे। तार मध्ये जारा
বিভিন্ন জেনারেল ক্ষেত্রে কিংবা এসসি এসটি ওবিসি সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনাদের নির্দিষ্ট আপনাদের যে কাস্ট সার্টিফিকেট আছে সেগুলো আপনারা আপডেট করে রাখতে হবে এবং সেগুলো আপলোড করতে হবে। এবং যারা ইডাব্লিউএস ক্ষেত্রে নতুন গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী যারা ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন আছেন তাদের জন্য যেটা হচ্ছে সেই ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেটও সেখানে আপনাদের যারা ফর্মের মধ্যে উল্লেখ থাকবে, যারা ইডাব্লিউএসের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তারা অ্যাপ্লাইড ফর ইডাব্লিউএস বলে অপশনটা সিলেক্ট করতে পারেন এবং সেখানে ফর্ম ফিল আপ করতে পারেন। নিট এক্সামের নিয়মিত যেগুলো ডেটা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে এখন সেপ্টেম্বর মাসে হবে, তার জন্য 13 জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে, জুলাই মাসের লাস্ট উইক পর্যন্ত আপনাদের ফর্ম ফিল আপ চলবে। কারোর যদি কোনো কারেকশান ফর্মে করতে হয় তার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হবে, তা আমরা আপনাদের আপডেট দিয়ে দেব এবং আপনারা এনটিএর ওয়েবসাইটে গিয়েও সেটা আপলোড করতে পারেন, দেখতে পারেন এবং কারেকশান করতে পারেন। পরীক্ষা 12 সেপ্টেম্বর হওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যে আনসার কি জারি করা হবে এনটিএর পক্ষ থেকে, এবং সেখানে যদি কেউ আনসার কিকে চ্যালেঞ্জ করতে চান উইদিন দ্য স্টিপুলেটেড টাইম অ্যান্ড ডেট নোটিফাইড বাই দ্য এজেন্সি, সেখানে আপনারা ওই টাইমে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এবং অক্টোবরের ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড উইকের মধ্যে রেজাল্ট আউট হবে এবং অক্টোবরের লাস্ট উইকের মধ্যে এমবিবিএস বিডিএস আয়ুষ মন্ত্রালয়ের যে বিএমএস বিএইচএমএস হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদিক ইউনানি এগুলো রয়েছে সেসব কোর্সের জন্য একে একে তখন কাউন্সিলিং শুরু হবে। তাহলে আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখলেন আপনাদের আজকে নিটের যে শিডিউল, নতুন শিডিউল অনুযায়ী সেই হিসাবে সবাইকে শুভেচ্ছা রইল, বেস্ট অফ লাক আপনাদের, এবং সবাই স্টুডেন্টরা ভালো করে পড়াশোনা করো, প্রিপেয়ার ওয়েল, অ্যান্ড ফর এনি টাইপ অফ গাইডেন্স নিড আপনাদের লট অফ মক টেস্ট সেগুলো দিতে হবে। সেই মক টেস্টগুলোর জন্য আপনারা এনটিএর ওয়েবসাইটে গিয়ে মক টেস্ট দিতে পারেন কিংবা ডিজি জ্ঞানম অ্যাপ আপনি ডাউনলোড করতে পারেন, সেখানে মেডিকেল এন্ট্রান্সের জন্য 700-এরও বেশি মক টেস্ট রয়েছে, সেই মক টেস্টগুলো আপনারা দিতে পারেন। ফর ডিজি জ্ঞানম আপলোগো গুগল প্লে স্টোর মে যাকে আপলোগ উসকো দেখ সকতে হ্যায় ইয়া ফির www.dgganam.digiskillglobal.in মে লগ ইন করকে আপ লোক আপকে জো মক টেস্ট হ্যায় ইয়ে দেখ সকতে হ্যায়, ইসমে প্রিভিয়াস ইয়ার্স পেপার দিয়া হুয়া হ্যায় और देन आफ्टर 700 के ऊपर भी मॉक टेस्ट दिया हुआ है। यू कैन प्रिपेयर फॉर अ लॉट बिकॉज जो टाइमिंग्स है, आपके जो नंबर्स है, मार्क्स है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।